सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दृष्टि माइनिंग को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ फेंसिंग कितने प्रकार की होती है और टाइप ऑफ बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह है हमारा माइनिंग सरदार ओवरमैन हैंड रिटन नोट्स एग्जामिनेशन सीरीज का यह है हमारा 28वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने हमारी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से हमारी ये सभी वीडियो एक बार जरूर देखना ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसी तरह आगे पढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं फेंसिंग कितने प्रकार की होती है। जनरली फेंसिंग तीन प्रकार की होती है फ्रेंड्स, एक सरफेस फेंसिंग होती है और अंडरग्राउंड और सरफेस प्लस अंडरग्राउंड तीन प्रकार की होती है। तो चलिए इनको हम बारी बारी से जानते हैं। सरफेस फेंसिंग भी तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट S1, S2, S3। यह फेंसिंग सरफेस में लगाने में काम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड अंडरग्राउंड फेंसिंग जो है यू प्रकार की फेंसिंग, यह दो प्रकार की होती है, फर्स्ट U1 और सेकेंड U2, जो अंडरग्राउंड खान में लगाने के काम आती है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार की होती है। सरफेस और अंडरग्राउंड में फेंसिंग जो है जी प्रकार की फेंसिंग जनरल फेंसिंग बोला जाता है, यह पांच प्रकार की होती है, G1, G2, G3, G4, G5 प्रकार की फेंसिंग जो सरफेस पर भी काम आती है और अंडरग्राउंड में भी काम आती है। अंडरग्राउंड प्लस सरफेस दोनों में काम आने वाली फेंसिंग कौन सी है फ्रेंड्स, जनरल फेंसिंग G1, G2, G3, G4 और G5। ये जो फेंसिंग है सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों माइंस में काम आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सरफेस फेंसिंग को हम S से दर्शाते हैं। यह तीन प्रकार की होती है, S1, S2, S3 और अंडरग्राउंड फेंसिंग को U से, यह दो प्रकार की होती है, U1 और U2। थर्ड सरफेस और अंडरग्राउंड फेंसिंग इसको जी से कहते हैं, जी जनरल, यह पांच प्रकार की होती है, G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट टाइप ऑफ फेंसिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, बाइंडिंग जनरली दो प्रकार की होती है, फर्स्ट ड्रम बाइंडिंग, सेकेंड क्वेब या फिर फ्रिक्शन बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ड्रम बाइंडिंग किसे कहते हैं, जो ड्रम में रोप से लिपटा होता है, ड्रम के सहारे से चलता है, उसको ड्रम बाइंडिंग कहा जाता है। और फ्रिक्शन बाइंडिंग यह जो है पुल्ली द्वारा रोप को खींचता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन बाइंडिंग में उसी को ही हम क्वेब बाइंडिंग भी कहते हैं। चलिए ड्रम बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है इसको जानते हैं। ड्रम बाइंडिंग जो है चार प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सिलेंड्रिकल ड्रम, सेकेंड कोनिकल ड्रम, थर्ड सिलेंड्रोकोनिकल ड्रम, फोर्थ बायोसिलेंड्रोकोनिकल ड्रम, सेकेंड क्वेब बाइंडिंग बोलो या फिर फ्रिक्शन बाइंडिंग। ठीक है, यह भी दो प्रकार की होती है, एक ग्राउंड माउंटेड बाइंडर और सेकेंड टूर माउंटेड क्वेब बाउंडर। टूर माउंटेड क्वेब बाइंडर आपने देखा होगा, कहीं जाते हैं पहाड़ी एरिया से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए हम टूर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग के बारे में समझ में आ गया, बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ड्रम बाइंडिंग सेकेंड क्वेब उसी को हम फ्रिक्शन बाइंडिंग बोलते हैं। और ड्रम बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, ड्रम बाइंडिंग चार प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सिलेंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, सिलेंड्रोकोनिकल ड्रम, बाइसिलेंड्रोकोनिकल ड्रम। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड बाइंडिंग है क्वेब बाइंडर या फिर फ्रिक्शन बाइंडिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्वेब बाइंडिंग जो है, क्वेब बाइंडिंग में सेफ्टी हुक नहीं होता है और ओवर बाइंडिंग भी नहीं होता है। ठीक है, क्वेब बाइंडिंग में सेफ्टी हुक की कोई जरूरत नहीं होती है।
और इसमें ओवर बाइंडिंग भी नहीं होता है। सेकंड, रिकेपिंग भी वहीं करना पड़ता है। थर्ड, इसमें टेल रोप होता है, यह मेन रोप से मोटा होता है, यह केज के नीचे लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिकेपिंग की जरूरत हमको कब कब पड़ती है चलिए देखते हैं। रिकेपिंग हम हर 6 महीने में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ओवर बाइंडिंग हो जाए तो तुरंत करते हैं। ठीक है, नॉट में देखिए, केबल को दोबारा रिकेपिंग करते समय रस्से को 2 मीटर काटकर टेस्ट के लिए प्रयोगशाला भेजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह CMR जो है 85 सब रूल 6B के अनुसार अंदरूनी दशा की जांच की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट CMR 85 का 36 के अनुसार जिस रस्से के ब्रेकिंग लोड का टेस्ट जो सर्टिफिकेट उपलब्ध ना हो उसे 3 मीटर लंबा टुकड़ा उसे केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अनुमोदित संख्या से उसे टेस्ट ना कराया गया हो तो 3 मीटर काटकर उसका टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, चलिए बाइंडिंग इंजन कितने प्रकार के होते हैं। बाइंडिंग इंजन 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजन, सेकंड स्टीम या जनरेटर जो अल्टरनेट सप्लाई रहना चाहिए। चलिए बॉयलर जो होता है, बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल खड़ा बॉयलर, सेकंड टाका बॉयलर, यह बॉयलर बड़ा होता है। ठीक है, नॉट में देखिए, ट्यूब बॉयलर पाउडर चाहिए, यह हमारे भारत में उपयोग नहीं होता है। चलिए डोली के तले में एक समय पर मैनेजर द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को चढ़ने नहीं दिया जाएगा कि प्रति व्यक्ति लगभग 0.2 स्क्वायर मीटर तली फर्श का क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा भी गया है अलग अलग सब्सिडरियों में। ठीक है, तो बैठने के लिए निर्धारित जगह कौन करता है, मैनेजर करता है, और कितना होना चाहिए प्रति व्यक्ति, 0.2 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस जो है पिट टॉप व पिट बॉटम तथा प्रत्येक इनसेट पर लगाया जाएगा, CMR 83 के सब रूल्स में दिए हुए आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाइंडिंग कितने प्रकार की होगी ये तो हमने अभी देख लिया फ्रेंड्स। ठीक है, एक ड्रम बाइंडिंग और सेकंड फ्रिक्शन बाइंडिंग जिसको हम वेव बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, यह वीडियो आज की यहीं तक। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना फ्रेंड्स, टाइप ऑफ फेंसिंग के बारे में जाना और टाइप ऑफ बाइंडिंग के बारे में जाना और बाइंडिंग इंजन कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो से हम इम्पोर्टेंट CMR के डिटेल्स हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर ही बैठना, नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि अगर आप कोचिंग करते तो स्वाभाविक है कि आप वहाँ पर नोट जरूर करते। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक बार इनको नोट जरूर कर लेना ताकि जब एग्जाम आए और उसमें आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास से अभी तक बने हुए हैं आशा करता हूँ वो अपने नोट्स बनाते हुए चलते होंगे, नहीं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही हमारा कम्प्लीट पूरा माइनिंग सरदार ओवरमैन हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन कर दूं मैं पूरा, इसके बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर PDF चाहिए तो फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम दृष्टि माइनिंग के नाम से है, आप ज्वाइन जरूर हो जाना। और भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो फ्रेंड्स फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट पूरा माइनिंग सरदार ओवरमैन लेवल का जो कोचिंग है वही मैं आपको यहाँ पे पूरा कोचिंग के नोट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप निश्चिंत होकर इतना पढ़िए, अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप और अदर जगह से भी पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कोचिंग नहीं कर पा रहे या फिर वो अदर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करते हुए प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स बस आप सपोर्ट कीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो और
अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दिया करो, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आगे कैसे वीडियो ला पाऊंगा फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स आप हमारा सपोर्ट में सिर्फ आप लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहां पर आपको माइनिंग सरदार, ओवरमैन और जीटी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट में, उनके लिए यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अभी हमने एमसीक्यू आपको माइंस एक्ट, माइंड रूल्स, इसकी रूल्स प्रोवाइड करा चुका हूँ, और सीएमआर से अभी बाकी है, बाकी सभी से मैंने प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी डिटेल से पढ़िए, इसके बाद आपको टेस्ट लगाने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसी तरह आगे पढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।